जब से ब्रह्मास्त्र और त्रिपालार जैसे भारी बजट के फिल्मों ने जब से बॉक्स ऑफिस फाड़े हैं, तब से काफी सारे और भी बहुत भारी भारी बजट की फिल्में बनाई जा रही है, जिन्हें पैन इंडियन नहीं बल्कि पैन इंडियन वर्ल्ड पर रिलीज करने की किया जाएगा कोशिश। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के आने वाली 10 हाईएस्ट बिग बजट मूवीज के बारे में, जिन्हें काफी बड़े बजट में बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट के एक भी मूवी को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसी भी फिल्म होने वाली है जिनकी बजट 1000 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। तो ये कौन सी फिल्म होने वाली है, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको हर तरह की तरह एक छोटा सा काम करना होगा, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 10 पर आते हैं एनिमल, और एनिमल एक एक्शन गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं शादीम रेड्डी बांगा, जो कबीर सिंह जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर जो कि एक बड़ी गैंगस्टर के किरदार में दिखाई देने वाले है, और इसी के साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और छाति में बॉबी दयाल भी नजर आने वाले है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषाओं के साथ। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 11 अगस्त 2023 को, वो भी पैन इंडिया लेवल पर। और इसी के साथ हमारे इस लिस्ट के नंबर 9 पर आते हैं NTR 30, और NTR 30 एक ड्रामा गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं कोटाला शिवा, जिसने NTR के साथ जनता गैरेज जैसे सुपरहिट फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर NTR एक बड़ी गैंगस्टर के किरदार में दिखाई देने वाले है, और इस फिल्म में NTR का साथ देने वाले है आलिया भट्ट। इसके अलावा इस फिल्म में गैंगस्टर म्यूजिक BGM देने वाला है अनिरुद्ध, जो विक्रम जैसे बड़ी गैंगस्टर फिल्म में पहले भी म्यूजिक BGM दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को भी 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के साथ। बट इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 5 अप्रैल 2024 को, वो भी पैन इंडियन लेवल पर। कि उसके आने का वक्त आ गया है। इसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 8 पर आते हैं पुष्पा 2। अरे भाई, फिल्म जो 2021 में और 2022 में अपने बेहतरीन एक्टिंग और डायलॉग से पूरे देश को नचाया था, तो आप समझ सकते हो पुष्पा की सेकंड पार्ट कितनी धमाकेदार फिल्म होने वाली है। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और साथी में विजय सेतुपति नजर आने वाले है, वो भी विलेन के किरदार में। इसके अलावा इस फिल्म में फहद फासिल, सुनील और साथी में जगदीश प्रताप नजर आने वाले है, वो भी सपोर्टिंग के किरदार में। तो आप समझ सकते हो ये फिल्म आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा तबाही मचाने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को पैन इंडियन नहीं बल्कि पैन इंडियन बॉल पे रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी देने के बाद इंडिया के साथ साथ पूरे देश में फेमस हो चुके हैं, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और कई सारे भाषाओं में बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो ये फिल्म की जो क्रेज है वो इंडिया के साथ साथ पूरे देश में भी है। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म को बनाया जा रहा है 400 से 500 करोड़ के बजट में, और इस फिल्म को देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 2023 के दिसंबर महीने में, वो भी पैन इंडियन बॉल पर। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। इसके अलावा हमारे इस लिस्ट के नंबर 7 पर आते हैं प्रोजेक्ट के, और प्रोजेक्ट के एक साइंस फिजिक्सन फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं नागेश बी, और इस फिल्म के अंदर प्रभास, दीपिका पादुकोण और साथी में दुलेरे सलमान नजर आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म में सपोर्टिंग के तौर पर अमिताभ बच्चन, दिशा पठानी, पवन कल्याण, अनुष्का शेट्टी और साथी में समंता प्रभु और कीर्ति सुरेश दिखाई देने वाले है। तो आप समझ सकते हो ये फिल्म की कास्ट कितनी बड़ी होने वाली है, जिस फिल्म को बनाया जा रहा है 500 करोड़ के बजट में। इस फिल्म के अंदर जो VFX और CGI यूज किया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का। और आपको बता दूं ये फिल्म साइंस टेक्नोलॉजी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को 3D में बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रभास का एक पोस्टर अनाउंसमेंट किया गया है, जिसे लोग देखने के बाद कंपटीशन कर रहे हैं आयरन मैन के साथ। जी हाँ दोस्तों, बाकी में ये फिल्म CGI और VFX द्वारा हॉलीवुड जैसा बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस फिल्म को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में भी बनाया जा रहा है। बट इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2023 से 2024 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन बॉल पर। इसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 6 पर आते हैं विक्रम 3, और विक्रम 3 एक बड़ी गैंगस्टर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं लोकेश कंगराज, और लोकेश कंगराज हाल ही में विक्रम जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है, और ये फिल्म विक्रम की 3rd पार्ट होने वाली है, जिसके अंदर लोकी यूनिवर्स के सभी बड़े बड़े सुपरस्टार एक साथ दिखाई देने वाले है, और ये फिल्म लोकी यूनिवर्स के सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर तमिल सिनेमा के सभी बड़े कलाकार एक साथ दिखाई देने वाले है। तो आप समझ सकते हो ये फिल्म की कास्ट कितनी बड़ी होने वाली है, जिसको देखने के लिए
मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जी हाँ दोस्तों, और उस फिल्म को बनाया जा रहा है 500 करोड़ के बजट में, वो भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं के साथ। बट इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 2026 में, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 5 पर आते हैं आदि पुरुष। और आदि पुरुष एक रामायण पर आधारित फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन कर रहे हैं ओम बराव, जिसने तानाजी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है। और आपको बता दूं, यहां से 2 महीने पहले इस फिल्म का टीजर यूट्यूब में लॉन्च हुआ था, जिसे लोग देखने के बाद इस टीजर का बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया, क्योंकि इस टीजर में दिखाया गया बेफेक्स लोगों को कार्टून जैसा लग रहा था। इसके अलावा इस फिल्म में प्रभास श्री राम के किरदार में, कीर्ति सुरन सीता माता के किरदार में दिखाई देने वाले है, और साथ ही में सन्नी सिंह श्री लक्ष्मण के किरदार में और शैफाली खान रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं। और आपको बता दूं, इस फिल्म को पहले 500 करोड़ के बजट में बनाया गया था, बट इतना ज्यादा ट्रोल होने के बाद इस फिल्म को पोस्टपोन करना ही पड़ा। और आपको बता दूं, इस फिल्म को फिर से सीजे और व्यापक्स द्वारा प्रो लेवल का एडिटिंग किया जा रहा है, जिसके चक्कर में इस फिल्म को 50 करोड़ का बजट और बढ़ाना पड़ा। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म का जो कुल बजट है 550 करोड़ रुपए। और आपको बता दूं, इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, और उस फिल्म को हम लोग देख पाएंगे 16 जून 2023 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड पर। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। उसके बाद हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पर आते हैं रामायण। और रामायण एक माइथोलॉजी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं नीतीश तिवारी, जिसने सिसोरे जैसे फिल्म और दंगल जैसे पैन इंडियन फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है। और आपको बता दूं, इस फिल्म के अंदर रणबीर कपूर श्री राम के किरदार और दीपिका पादुकोण सीधा माता के किरदार में दिखाई देने वाले है, और ये फिल्म रामायण की फर्स्ट पार्ट होने वाली है। जिस फिल्म को 750 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के साथ। बट इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा लगभग 2024 से 2025 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 3 पर आते हैं SSMB 29। और SSMB 29 एक मोस्ट डेंजरस फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजामौली सर, जिसने अपने बेहतरीन डायरेक्शन से बाहुबली 2 और त्रिपालर जैसे बड़ी फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है। और आप तो जानते हो SS राजामौली सर की फिल्म कितनी बड़ी बजट की फिल्म होती है, और इस फिल्म को SS राजामौली सर काफी बड़े बजट में बनाने वाले हैं, जिसके अंदर महेश बाबू का साथ देने वाले हैं दीपिका पादुकोण। इसके अलावा इस फिल्म में थॉर का भी एंट्री होने वाला है, वो भी विलेन के तौर पर। तो आप लोग समझ ही गए होंगे फिल्म SS राजामौली सर की कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और उस फिल्म को बनाया जा रहा 800 से 900 करोड़ के बीच में, वो भी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और कई सारे भाषाओं में भी। बट इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2026 से 2027 तक के अंदर, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड पर। उसके बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 2 पर आते हैं क्रिशपोर। और क्रिशपोर एक एक्शन थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं ऋतिक रोशन के पापा यानी कि राकेश रोशन, जो क्रिश के 3 भागों को डायरेक्ट किया था। और आप तो जानते हो क्रिश के 3 भागों ने सभी लोगों का दिल चुरा लिया था। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन सुपर हीरो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में नोरा पेती, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और साथ ही में कई सारे बड़े बड़े एक्टर दिखाई देने वाले हैं, वो भी सपोर्टिंग किरदार में। और अपडेट के द्वारा बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर विलेन का जो रोल प्ले करने वाले है वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई भी फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बवाल मचा देता है। और आपको बता दूं, इस फिल्म को 875 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर 3D बेफेक्स और 3D CGI यूज किया जाएगा, वो बहुत हाई लेवल का। तो आप समझ ही गए होंगे ये फिल्म किस तरह की फिल्म बनने वाली है। और इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और कई सारे भाषाओं में भी बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 31 दिसंबर 2023 को, वो भी पैन इंडियन वर्ल्ड पर। काल की कायनात में वेलकम। के बाद हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 पर आते हैं महाभारत। और महाभारत इंडियन सिनेमा के सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को बनाया जा रहा है 5D में। जी हां दोस्तों, और इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं अभिषेक कपूर, जो केदारनाथ जैसे सुपर हिट फिल्म को पहले भी डायरेक्शन दे चुका है। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर 1-2 नहीं बल्कि कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार दिखाई देने वाले हैं साउथ और बॉलीवुड के। तो आप समझ सकते हो महाभारत इंडियन सिनेमा की कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को बनाया जा रहा है लगभग 1000 करोड़ से भी ज्यादा की बजट में। अपडेट के द्वारा बताया
जा रहा है कि इस फिल्म को काफी सारे भाषाओं में भी बनाया जाएगा, बट इस फिल्म को रिलीज होने में लगभग 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सी फिल्म होने वाली है जो मार्वल और डीसी जैसे बड़े फिल्म को टक्कर दे सके? हैशटैग लगा के जरूर से कमेंट करके बताना। भवामी।